ओके सो गाइस वेलकम बैक अगेन आशीष एडिट। सो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको सीवी फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये वाली फोटो एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच कर लेते हो, मतलब कि पूरा देख लेते हो, तो 100% इस तरह से फोटो एडिटिंग आपसे हो जाएगा। शर्त इस बात की कि आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो दोस्तों, आपको ऐसा एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले बैकग्राउंड को रिमूव करना है, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड को इरेज करना है। तो बैकग्राउंड को इरेज करने का सबसे आसान तरीका क्रोम एप्लीकेशन, जो कि एक तरह से माना जाए तो ऑनलाइन फोटो एडिटिंग की तरह, ठीक है। तो यहाँ से आपको सर्च बॉक्स में लिख देना है बीजी रिमूव, एंड यहाँ से आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ से आपको कुछ इस तरह से लिंक वगैरह मिल जाएगा, तो आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ इस तरह से वेबसाइट क्रिएट हो जाएगा, मतलब देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जो भी फोटो को एडिटिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपलोड इमेज पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ से आपको ये जो फोटो को सिलेक्ट करके डन कर लेना है। यहाँ से आपको 2 से 3 सेकंड लग जाएगा रिमूव होने में, पर काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से रिमूव कर देगा ये। तो देख लीजिए, रिमूव हो गया। अब यहाँ से हम बैकग्राउंड भी इसी एप्लीकेशन, मतलब इसी वेबसाइट में ऐड करेंगे, तो उसके लिए आपको एडिट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हो। अब एडिट जस्ट ऊपर में है बैकग्राउंड इरेज के, तो उसमें क्लिक कर देना है। ओके, अब यहाँ से आप अपने अनुसार बैकग्राउंड लगाना चाहते हो तो अपलोड बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ से आपको गैलरी ओपन हो जाएगा। तो आपको बैकग्राउंड कहाँ मिलेगी, चलिए आपको बता देता हूँ। aashishedit.com सर्च करना है क्रोम या फिर गूगल में, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उस वेबसाइट में काफ़ी अच्छी अच्छी बैकग्राउंड अपलोड करते रहता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब इसे सेव करके Adobe Lightroom एप्लीकेशन में शेयर करेंगे, तो उसके लिए आपको डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ से आपको शेयर इमेज कर लेना है। ओके गाइस, अब आपको मोर पर क्लिक कर लेना है, फिर ये Adobe Lightroom एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो देख लीजिए, Adobe Lightroom एप्लीकेशन में वो फोटो सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से हम एक प्रीसेट को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, सीबी प्रीसेट को ऐड करेंगे। अब ये प्रीसेट आपको कहाँ मिलेगा, उसी वेबसाइट में मिल जाएगा, aashishedit.com सर्च कर लेना है। उसमें मैं प्रीसेट बैकग्राउंड दोनों देते रहूँगा, ठीक है। अगर आपको प्रीसेट नहीं मिले तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब यहां से हम प्रीसेट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां से आपको 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। ओके, अब यहां से आपको कॉपी सेटिंग्स पर क्लिक करना है, कॉपी सेटिंग में सभी पर टिक कर लेना है, एंड यहाँ से आपको राइट कर लेना है। तो यहाँ से हम राइट करते हैं, बैक आना है आपको। बैक आने के बाद यहाँ से आपको फोटो को सेलेक्ट करना है, ये जो 3 डॉट है, ये 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर पेस्ट सेटिंग पर क्लिक कर देना है। तो देख लीजिए, फोटो काफ़ी आसान तरीके से रेडी हो चुका है। काफ़ी अच्छी तरह से आप सीवी एडिटिंग कर सकते हो। इन टिप्स को फॉलो करते हो तो 100% आपसे भी कुछ इस तरह से एडिटिंग हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।